हमारा क्वेश्चन है, यदि एक चालक को 7/1.40 से इंगित किया जाता है तो 1.40 क्या दर्शाता है? ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, रेडियस ऑफ वन कंडक्टर, डायमीटर ऑफ ऑल कंडक्टर, डायमीटर ऑफ ईच कंडक्टर। देखिए, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मतलब होता है जैसे कि कोई भी वायर गोल होता है, सर्किल होता है, गोल रहता है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा पूरा, इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहा जाता है। ठीक है, तो 1.40 क्या है यही हमको बताना है। एक चालक की त्रिज्या, त्रिज्या का मतलब ये चालक हो गया और ये आधा, ये हो गया त्रिज्या। सभी चालक का व्यास, जितना चालक है, मान लीजिए कि कोई वायर है, ये तार हो गया, केबल है, इसमें से ऐसा ऐसा पतला पतला 15, 20, 7, 8, 10, 10, 20 जितना होता है वायर निकला हुआ रहता है बहुत सारा। ठीक है, तो सभी चालक का, ये पूरे चालक का व्यास, या कह रहा है प्रत्येक चालक का व्यास, प्रत्येक चालक का व्यास। तो देखिए क्या होता है कि जो कोड दिया जाता है आपका 7/20 ले लीजिए, 1/18 ले लीजिए, 7/22 ले लीजिए, या कोई भी कोड होता है। ठीक है, तो देखिए ऊपर वाला जो कोड होता है, ये ऊपर वाला, जैसे आपका मान लीजिए ये केबल है, तो ये देखिए केबल है, ये इसमें से कितना वायर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 वो है। तो ये ऊपर वाला जो कोड होता है, ये इस केबल में या इस वायर में, ये वायर की संख्या को दर्शाता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 हो गया ऊपर वाला। ऊपर वाला जो संख्या होता है वो केबल में वायर, नंगे चालक की संख्या को दर्शाता है। और नीचे जो होता है, ये जो नीचे है, ये SWG को दर्शाता है, स्टैंडर्ड वायर गेज में, स्टैंडर्ड वायर गेज ये जो होता है, जिसमें 0 से लेके 36 तक का जो सर्किल होता है, इसमें जिस नंबर में आप, जिस नंबर का ये वायर है, 5 नंबर 10 नंबर 20 नंबर, जितना नंबर का ये वायर है, ये एक कोर, ये वायर का जो एक प्रत्येक ये तार होता है ना, इसको कोर कहा जाता है। तो ये एक जो कोर है, इसका जो मोटाई होगा SWG में, वो नीचे लिखा जाएगा, वो 20 हो या 22 हो या 18 हो या जो हो। ठीक है, तो क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन, यही कह रहा है कि 7/1.40, तो 1.40 का मतलब क्या है, तो जो आपका ये केबल है 7/1.40, इसमें से 7 को कोर निकला हुआ है, 7 को तार निकला हुआ है, 2, 4, 5, 6, 7, 7 को, तो 7 ये क्या हो गया, ये कोर की संख्या। और नीचे वाला जो है वो SWG किसका दर्शाता है, एक जो कोर है इसका SWG होता है, ये नहीं कि पूरा, पूरा का नहीं, ये इसमें जो एक को ये तार है, एक कोर है, ये इसका ये SWG में मान दर्शाता है, इस एक तार का। तो कहने का मतलब हुआ कि ये जो आपका 1.40 है, ये प्रत्येक तार का, ये प्रत्येक चालक का व्यास मापता है। इसमें जो होता है ना, इसमें जैसे ये गोल है, इसमें अगर ये तार आसानी से चला जाता है, थोड़ा सा धक्का देने पर अगर अंदर चला जाता है तार, ठीक है, और निकल जाता है, तो इसको माना जाता है, जैसे 20 नंबर में मान लीजिए कि ये हो रहा है, तो ये जो वायर है इसका ये व्यास को दर्शाता है 20 नंबर। ठीक है, तो आपका जो ये आंसर हो गया, ये होगा कि प्रत्येक चालक का व्यास, यदि एक चालक को 7/1.40 से इंगित किया जाता है तो 1.40 क्या दर्शाता है, तो प्रत्येक चालक का व्यास दर्शाता है, प्रत्येक चालक का व्यास दर्शाता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया।